नमस्कार, जयवंत दास्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नावा सिटी से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर जैन धर्मावलंबियों द्वारा 10 लक्षण महापर्व के सातवें दिन विधि विधान पूर्वक उत्तम तप धर्म की विशेष पूजा अर्चना परम पूजा वात्सल्य चंद्रिका गुरु माँ आर्य का 105 नंदीश्वर मती माताजी के ससंग सानिध्य में हुई। जैन समाज नागोरी गोट अध्यक्ष नवीन गोधा व चातुर्मास वर्षायोग समिति संयोजक विमल गंगवाल ने बताया कि शनिवार को 10 लक्षण महापर्व के सातवें दिन तप धर्म की आराधना की गई। इस अवसर पर प्रातः सर्वप्रथम श्री भगवान का महामस्तकाभिषेक शांतिधारा प्रक्षालन इत्यादि धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभिषेक के बाद विश्व कल्याण हेतु शांति धारा व संगीत में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर गुरु माँ नंदीश्वर मती माताजी ने उत्तम तप धर्म पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केवल शरीर को तपाना तप नहीं अपितु इच्छा का निरोध करना तप है। जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूप मैल भिन्न हो जाए तथा शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा भिन्न हो जाए वह तप है। कर्मों का संवर तथा निर्जरा करने का प्रधान कारण तप है। तप ही आत्मा को कर्म मल रहित करता है। तप के प्रभाव से यहाँ ही अनेक रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। तप का अचिंत्य प्रभाव है। तप बिना काम को निद्रा को कौन मारे, तप बिना इच्छाओं को कौन मारे, इंद्रियों के विषयों को मारने में तप ही समर्थ है। तप की साधना करने वाला परिषह उपसर्ग आदि आने पर भी रत्नत्रय धर्म से च्युत नहीं होता है। आता तप धर्म को धारण करना ही उचित है। तप किए बिना संसार से छुटकारा नहीं होता है। चक्रवर्ती भी राज्य को छोड़कर तप धारण करके तीन लोक में वंदन योग्य पूज्य हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि तीन लोक में तप समान महान अन्य कुछ भी नहीं है। जैन समाज अध्यक्ष नवीन गोधा ने बताया कि इस दौरान प्रतिदिन शाम को मंदिर जी में विशेष आरती प्रवचन धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सभी कार्यक्रम बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर करुणा दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित हो रहे हैं। सभी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में जैन समाज के महिलाएं पुरुष और बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।